उधर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने झुंझुनू में छात्र संघ अध्यक्ष की हत्या के मामले को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को घेरा है। झुंझुनू जिले में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या के मामले में बेनीवाल ने प्रदेश सरकार और पुलिस पर निशाना साधा है। इस मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश में जंगल राज है, सरेआम एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है और अपराधी बेखौफ होकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। राकेश झाझड़िया की हत्या मामले में झुंझुनू एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाने की मांग की है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जालौर की घटना के बाद जो झुंझुनू की घटना हुई और एक से एक जो बलात्कार की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, ने नेता सुरक्षित, ने कर्मचारी सुरक्षित, ने यूथ युवा सुरक्षित और ने महिलाएं सुरक्षित, नेताओं पर आए दिन हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हो रोज मरा, ने पत्रकार सुरक्षित। झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या के मामले में बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर 5 घंटों से जारी धरना जो है वो अब समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि एसपी मृदुल कछावा इसमें एक सक्रिय भूमिका में नजर आए। बीडीके अस्पताल में वार्ता करने पहुंचे एसपी मृदुल कछावा ने बिना कोई वीआईपी कल्चर के सीधे आंदोलनकारियों के धरना स्थल पर ही जमीन पर बैठकर सभी 7 बिंदुओं पर चर्चा की और महज 10 मिनट में 5 घंटे से चल रहा धरना समाप्त करके आंदोलनकारियों को आश्वस्त कर दिया है। इसके बाद परिजन और ग्रामीण शव का पोस्टमार्टम करवाने को राजी हो गए हैं। एसपी मृदुल कछावा ने प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करते हुए प्रतिनिधि मंडल की 7 सूत्री मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमने जिले के एसपी को भी ज्ञापन दिया था, उसमें बताया था कि या तो छात्र संघ चुनाव से पहले या छात्र संघ चुनाव के बाद कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यह जो आज ये घटना हुई है इसके अंदर जरूर प्रशासन की विषय है। ये कहा कि जितने भी अपराधी चाहे वो इसमें हैं या जिन्होंने साजिश की है, निश्चित रूप से सब वो सिंकियों के पीछे होंगे और सबको अरेस्ट करने के बाद केस ऑफिसर होगा। जिला पुलिस द्वारा कुल 4 टीमें वर्तमान में इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए काम कर रही हैं, लगातार दबिश दे रही हैं। क्योंकि समस्त ज़्यादातर अपराधी जो इस मुकदमे में नामजद हैं तो उनके लिए सभी के लिए तलाशी अभियान जो है हमारा जारी है। जल्द से जल्द सभी की गिरफ्तारी हम सुनिश्चित करेंगे और प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में इस संपूर्ण घटनाक्रम में जो भी लोग शामिल हैं उनको जो है पुलिस उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी।